जयपुरी प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्यांगना रे बतौर देश विदेश माए ख्याति पाई है। गोप को वर अते सुदंदन रखते गोप। इन श्रेष्ठ कलासारू लाडले दिना अखिल भारतीय संगीत नाट्य अकादमी रो पुरस्कार भी इनने दियो गयो। आओ अबे आपा जाना इनारी उपलब्धियां और कला रे बाबत। जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा माँ पिता ही देखते हैं कि बच्चे में क्या रुचि है और वो उसे उस तरफ एक दिशा दे देते हैं। और मुझे जब समझ आई थोड़ी बहुत तो मैं नृत्य कर रही थी। मैंने देश दुनिया के लगभग सभी बड़े समारोह में हिस्सा लिया है। जैसे अब तो पता नहीं कितनी अहमियत है पर उसकी खजुराहो नृत्य समारोह बड़ा समारोह माना जाता है नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का। उसमें चार बार मैं जा चुकी। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होता है अविन्यो फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है, दक्षिणी फ्रांस में। वहाँ पर 1995 में मैंने अपना एक प्रदर्शन दिया था जिसमें बहुत बड़े एक चित्रकार, आधुनिक चित्रकार हैं सैयद हैदर रज़ा, उनकी पेंटिंग्स और अशोक वाजपेयी जी की कविताओं के साथ में एक पूरा प्रोग्राम बनाया था रीचिंग फॉर ईच अदर, वो वहाँ किया था और बहुत सफल रहा वो। इसके अतिरिक्त देश के लगभग सभी बड़े नृत्य समारोह में मैं हिस्सा ले चुकी हूँ, ये मुझे सौभाग्य मिला है। और अभी इसी वर्ष मुझे संगीत नाटक अकेडमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का 2009 का पुरस्कार कथक के लिए भी मिला है। नृत्य मेरी अभिव्यक्ति है और कथक नृत्य, क्योंकि जितनी कलाएँ हैं वो एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम है। और अभिव्यक्ति वो फिर किसी भी तरह हो सकती है, हो सकता है कि आप कविता लिखें, हो सकता है आप चित्र बनाएं, हो सकता है आप गाएं, आपका संगीत आपकी अभिव्यक्ति हो। तो कलाएं जब आपकी कहना चाहिए अभिव्यक्ति का साधन माध्यम बन जाती हैं तो फिर आप जो भी आपके अंदर विचार है या भावनाएं हैं उसे आप अभिव्यक्त करने की उससे कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी तो कथक मेरी अभिव्यक्ति है। मंडल मरी तथे तथे